सीपीआईएम लीडर बृंदा करात ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। करात ने अपनी दरख्वास्त में जहांगीरपुरी इन्हदामी कार्रवाई को गैर इंसानी, गैर कानूनी और गैर अखलाकी अमल करार दिया। इसके साथ लोगों के बुनियादी हकूक में शामिल जिंदगी के हक और रोजगार और पनाहगाह के हक के खिलाफ वर्जी भी उन्होंने करार दी। उन्होंने मुतालबा किया कि इस इन्हदाम से कुदरती इंसाफ के उसूल की तौहीन भी हुई है, इसलिए इन्हदाम के हुक्म को मंसूख करते हुए यानी कैंसिल करते हुए अदालत उन मुतासरीन के लिए मुआवजा भी मुकर्रर करे और हुकूमत को मुकर्रर मुद्दत में मुआवजे की अदायगी का हुक्म दे। पाकिस्तान के जनवादी अधिकारों का मुद्दा है और समझ लो मेरे प्रिय साथियों, आज अगर हम नहीं खड़े हुए, पार्लियामेंट में विपक्ष का रोल आपने देखा, उसमें मैं जितना कम कहूँ उतना अच्छा है। विपक्ष के नेताओं ने हिंदुस्तान के लिए नहीं अपनी वोट के लिए सोचा। मेरे प्रिय साथियों, अगर संसद के अंदर कमजोरी है तो ये सड़क की मजबूती हमारे देश को बचाएगा। हमेशा ये सड़क की मजबूती, ये एकता की मजबूती, ये संघर्ष की मजबूती ने हिंदुस्तान को बचाया।